नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंग्लिश लर्नर में। और आज मैं आपको कंजक्शंस के बारे में बताऊंगा, जैसे अल्दो, दो, इवन दो और इवन इफ। दोस्तों, इनका हिंदी में मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। तो इनको अंग्रेजी के वाक्य बनाते समय इनको कहां पर यूज़ करना है, कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, ये मेरे पास चार सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के जो हिंदी में लिखे गए हैं। तो देखिए, पहला है कि हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे ये आता है। इस तरह से तीन सेंटेंसेस मैंने और लिखे हैं। तो हम ऊपर लिखे गए कंजंक्शंस का यूज़ इन चारों सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाने में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला वाक्य है हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे ये आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम हालांकि के लिए अल्दो का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है अल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल यट ही नोज़ इट। दोस्तों, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखने की अल्दो के साथ फिर भी के लिए हमेशा यट का यूज होता है। आप किसी दूसरे वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, अल्दो के साथ आप यट का ही यूज़ करेंगे। दूसरा है भले ही मैं गरीब हूँ फिर भी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने भले ही के लिए दो का यूज़ किया है, आप अल्दो का यूज़ भी कर सकते हैं। ये लिखा है दो आई एम पुअर स्टिल आई विल ट्राई। दोस्तों, फिर भी के लिए हम स्टिल का यूज भी यहाँ पर कर सकते हैं, यट का यूज भी कर सकते हैं। तीसरा है हालांकि मैं बीमार था इसके बावजूद मैंने काम किया। यहाँ पर मैंने हालांकि के लिए इवन इफ़ का यूज किया है, इवन इफ़ आई वॉज अनवेल देन ऑल्सो आई वॉक्ड। यहाँ पर फिर भी के लिए हम देन ऑल्सो का यूज भी कर सकते हैं, स्टिल का यूज भी कर सकते हैं, यट का यूज भी कर सकते हैं। चौथा वाक्य है भले ही वह अनपढ़ है तब भी उसका व्यवहार अच्छा है। इवन दो ही इज इलिटरेट येट ही बिहेव्स वेल। यहाँ पे भले ही के लिए मैंने इवन दो का यूज़ किया है, आप इवन इफ दो अल्दो का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर भी के लिए आप येट का यूज, देन ऑल्सो, स्टिल और येट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का सेशन। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।